नमस्कार, नीटिंग एंड क्रोसे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं वापस से आपके लिए अमन पैटर्न लेकर के आई हूँ। ये पैटर्न आप लोगों के द्वारा बहुत ही पसंद किया गया, लेकिन इसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से मैंने फिर से इस वीडियो को बनाया है ताकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। यह अमन पैटर्न बहुत ही आसान डिजाइन है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। 4+2 यानी 6 फंदा, ये 6 फंदे का डिजाइन है। तो चलिए शुरू करते हैं, ये कैसे बनाया जाता है। पहली सिलाई है, सबसे पहले 2 उल्टा बुनेंगे। दो उल्टा, एक सीधा, फिर से 2 उल्टा, एक सीधा फंदा, धागा आगे, 2 उल्टा, एक सीधा। इसी तरह पूरी सिलाई बनानी है, 2 उल्टा, एक सीधा। दूसरी सिलाई में किनारे का फंदा उतार लेंगे, 2 सीधा, 1 उल्टा, धागा पीछे, 2 सीधा, फिर 1 उल्टा, 2 सीधा, 1 उल्टा। इस तरह से पूरी सिलाई बनाएंगे। रॉन्ग साइड से सभी सिलाइयों में जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा बुनेंगे और जहाँ सीधा है वहाँ सीधा बुनेंगे, यानी 2 सीधा और 1 उल्टा सभी सिलाइयों में रॉन्ग साइड से बुनेंगे। थर्ड रो है, फिर उसी तरह से रिपीट करेंगे, 2 उल्टा, 1 सीधा, फिर 2 उल्टा, 1 सीधा, 2 उल्टा, 1 सीधा। इसी तरह ये पूरी सिलाई बनाएंगे, 2 उल्टा 1 सीधा करते हुए। रॉन्ग साइड से हमेशा ही 2 सीधा 1 उल्टा बुनना है, जहाँ सीधा है वहाँ सीधा और जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा बुनेंगे। 4 सिलाइयों तक देखिए, 2 उल्टा 1 सीधा, 2 उल्टा 1 सीधा बुनेंगे। रॉन्ग साइड से 2 सीधा 1 उल्टा, 2 सीधा 1 उल्टा, इस तरह से बुनेंगे। 4 सिलाई के बाद 5वीं सिलाई में 2 उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे। यहाँ देखिए, ये 4 फंदे में ही डिजाइन बनेगा। ये चौथा जो सीधा फंदा है, इसके चौथे रो में नीचे 1, 2, 3, 1, 2, 3 और ये 4, यहाँ सिलाई डालेंगे और इस तरह से 1 फंदा खींचेंगे, इस सिलाई पे डालेंगे और इन दोनों को एक साथ सीधा बुनेंगे। फिर 2 उल्टा 1 सीधा, 2 उल्टा, बीच में ये 2 उल्टा बनाने के बाद फिर देखिए इस 4 फंदे में उसी तरह से डिजाइन बनेगा, 1, 2, 3, 4, यहाँ सिलाई डालेंगे और 1 फंदा निकाल लेंगे। इसे खींचेंगे, हमेशा इसे ढीला रखेंगे, इस सिलाई पे डालेंगे और इस सीधा फंदा के साथ इस तरह से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेंगे। धागा आगे करेंगे, यहाँ उल्टा फंदा है, इसे उल्टा बुन लेंगे, 2 उल्टा,
फिर ये सीधा फंदा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, दो उल्टा, फिर धागा पीछे। अब आखिरी में देखिए, ये चार फंदे में ही डिजाइन बनेगा। ये जो सीधा फंदा है इसमें उसी तरह से लास्ट में चौथे रो में यहाँ सिलाई डालेंगे और ये एक फंदा निकाल लेंगे, इसे लेफ्ट सिलाई पे डालेंगे, फिर एक सीधा बुनेंगे, दो उल्टा, रॉन्ग साइड से जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा बुनेंगे और जहाँ सीधा है वहाँ सीधा बुनेंगे, एक उल्टा दो सीधा। फिर एक उल्टा दो सीधा, इसी तरह ये सिलाई बना लेंगे। रॉन्ग साइड से हमेशा ही इसी तरह बुनना है, दो जहाँ सीधा है वहाँ सीधा, जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा बुनेंगे। पांचवी सिलाई जैसे बुने थे उसी तरह सातवीं और नौवीं सिलाई बुनना है। ये दो उल्टा बुनेंगे, देखिए जहाँ जिस होल में सिलाई डाले थे वहीं फिर सिलाई डालेंगे, एक फंदा निकालेंगे, इसे ढीला रखेंगे फंदे को, इस सिलाई पे डालेंगे और दो फंदे का ये एक सीधा फंदा बुन लेंगे, दो उल्टा एक सीधा, फिर से दो उल्टा, धागा पीछे। और यहाँ देखिए फिर वहीं यहाँ सिलाई डालेंगे, इसे फिर दोनों को मिला करके एक सीधा फंदा, फिर दो उल्टा एक सीधा, इसी तरह ये पूरी सिलाई बना लेंगे। रॉन्ग साइड से जहाँ सीधा है वहाँ सीधा और जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा बुनेंगे। पांचवी सातवीं सिलाई की तरह ही नौवीं सिलाई भी दो उल्टा, उसी तरह उसी होल में सिलाई डालेंगे, एक फंदा फिर से निकालेंगे, इसे इस तरह से खींच लेंगे, फिर इस सिलाई पर डालेंगे और दोनों को मिला करके एक सीधा फंदा बुनेंगे, फिर दो उल्टा एक सीधा, दो उल्टा, फिर वहीं पे सिलाई डालेंगे और एक फंदा निकाल लेंगे, इन दोनों को मिला करके एक सीधा फंदा, फिर दो उल्टा एक सीधा, दो उल्टा, फिर उसी तरह से रिपीट करेंगे। रॉन्ग साइड से दो सीधा एक उल्टा करते हुए सिलाई को पूरी कर लेंगे। अब देखिए 11वीं सिलाई में दो उल्टा एक सीधा, दो उल्टा एक सीधा, फिर दो उल्टा एक सीधा करते हुए पूरी सिलाई बुन लेंगे। 12वीं सिलाई भी दो सीधा एक उल्टा, जहाँ सीधा है वहाँ सीधा और जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा बुन लेंगे। यहाँ देखिए दो सिलाई, जहाँ सीधा है वहाँ सीधा और जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा बुनने के बाद अब ये 13वीं सिलाई है। 13वीं सिलाई में ये देखिए यहाँ इस फंदे से ये जो लॉन्ग फंदा है इसको खींचे थे, इस सीधे फंदे के साथ इसे बुने थे। अब ये दो उल्टा बुनेंगे, एक सीधा बुनेंगे, दो उल्टा बुनेंगे, उसके बाद अब यहाँ से ये जो होल दिख रहा है यहाँ सिलाई डालेंगे और एक फंदा निकालेंगे, इसे इस सिलाई पे डालेंगे और इस फंदे के साथ दोनों को मिला करके एक सीधा फंदा इस तरह से बुन लेंगे, फिर दो उल्टा
एक सीधा, दो उल्टा। अब देखिए फिर यहाँ ये जो होल दिख रहा है यहाँ सिलाई डालेंगे, फंदा को निकालेंगे और इस सीधे फंदा के साथ सिलाई पे डालेंगे और दोनों को मिला करके एक फंदा बना लेंगे इस तरह से। देखिए फिर दो उल्टा, एक सीधा, दो उल्टा, धागा पीछे करेंगे और यहाँ देखिए ये जो होल दिख रहा है यहाँ सिलाई डालेंगे, एक सीधा फंदा निकालेंगे, इस फंदे को इस सिलाई पे डालेंगे और दोनों को मिला करके एक फंदा बना लेंगे, एक उल्टा। रॉन्ग साइड से वैसे ही बुनना है, दो सीधा एक उल्टा। 15वीं सिलाई में फिर से दो उल्टा, एक सीधा, दो उल्टा, धागा पीछे करेंगे और यहाँ फिर से देखिए उसी होल में यहाँ सिलाई डालेंगे, इस तरह से एक फंदा निकालेंगे, इस सिलाई पे डालेंगे और दोनों को मिला करके एक सीधा फंदा बुन लेंगे। फिर दो उल्टा, एक सीधा, दो उल्टा, अगेन उसी चीज़ को रिपीट करेंगे। यहाँ होल में सिलाई डालेंगे, फंदा निकालेंगे, लेफ्ट सिलाई पे डालेंगे और इस सीधा फंदा के साथ दोनों को मिला करके एक सीधा फंदा। फिर से दो उल्टा, इसी तरह इस पूरी सिलाई को रिपीट करेंगे। 16वीं सिलाई भी दो सीधा एक उल्टा करते हुए बना लेंगे। 17वीं सिलाई है, दो फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, एक सीधा, दो उल्टा। 13वीं और 15वीं सिलाई की तरह ही फिर उसी चीज़ को रिपीट करेंगे। यहाँ सिलाई डालेंगे, एक फंदा निकालेंगे, इसे लेफ्ट सिलाई पे डालेंगे, इस सीधा फंदा के साथ बुन लेंगे। ये देखिए फिर दो उल्टा, एक सीधा, दो उल्टा, यहीं फिर देखिए सिलाई डालेंगे, एक फंदा निकालेंगे, इस सिलाई पे डालेंगे और दो फंदे का एक फंदा बना लेंगे। इसी तरह इस पूरी सिलाई को बना लेंगे। 17वीं और 18वीं सिलाई जहाँ फिर उसी तरह रॉन्ग साइड से दो सीधा एक उल्टा करते हुए पूरा कर लेंगे। 19वीं सिलाई है, इसमें फिर दो सीधा एक उल्टा करते हुए सिलाई को पूरा कर लेंगे। दो उल्टा, एक सीधा, दो उल्टा, एक सीधा, दो उल्टा, इस तरह से ये पूरी सिलाई बना लेंगे। ये 20वीं सिलाई दो सीधा एक उल्टा करते हुए बना लेंगे। ये 21वीं सिलाई है, 21वीं सिलाई फिर 5वीं सिलाई की तरह बनाएंगे। ये दो उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और 5वीं सिलाई में जैसे इस फंदे में यहाँ ये जो होल दिख रहा है यहाँ सिलाई डालेंगे, एक फंदा निकालेंगे, इस सिलाई पर डालेंगे और दोनों को मिला करके एक सीधा फंदा। फिर दो उल्टा, एक सीधा, दो उल्टा, फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ देखिए इस होल में सिलाई डालेंगे, सीधा ये फंदा निकालेंगे, इसे सीधा फंदा के साथ मिला करके बुन देंगे, दो का एक कर देंगे। फिर दो उल्टा, एक सीधा, दो उल्टा, यहाँ फिर उसी तरह से
इस तरह देखिए ये अमन पैटर्न बन गया है। अब पांचवी सिलाई की तरह अब यहाँ फिर रिपीट करेंगे और जितना बड़ा स्वेटर बनाना चाहते हैं इसे बना सकते हैं। ये देखिए ये पांचवी सिलाई में यहाँ बना, फिर उसके बाद इस डायरेक्शन में, इस पहले इस डायरेक्शन में 3 बार बनाने के बाद 3 सिलाई तक लगातार बनाएंगे, उसके बाद 2 सिलाई सीधा उल्टा बुनेंगे, फिर इस फंदे में इस सीधी सिलाई के साथ यहाँ से फंदा खींचेंगे और इसके साथ बुनेंगे 3 सिलाई तक लगातार सीधे साइड से। इसमें डिजाइन बनाएंगे फंदा खींच करके, 2 फंदे का 1 फंदा बनाएंगे, उसके बाद 2 सिलाई तक फिर उसी तरह सीधा उल्टा बुनेंगे, जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा, जहाँ सीधा है वहाँ सीधा। इस तरह से ये डिजाइन बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।